स्काई सनी वेदर, बहुत अच्छा हवा भी बह रहा है और ये इस टाइम में फोटोशूट वीडियो शूट तो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए लीजा स्टार्ट कर दिया है लेक साइड व्यू में बैठ के फोटो शूटिंग। गैंगटॉक से निकल के पहले हम छांगू गए, उसके बाबा मंदिर गए, उसके बाद हमने देखा ड्राइवर ने बोला जाते वक्त पहले दूर का कर लेते हैं, उसके बाद लौटने के वक्त बाबा मंदिर से जब आएंगे यहाँ पर छांगू देखेंगे, इसलिए अभी छांगू आ रहे हैं, छांगू घुस रहेंगे। छांगू घुसने के पहले जो बाबा मंदिर से आने के टाइम जो रोड साइड से छांगू का जो व्यू मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, और अभी तो दिसंबर मंथ है क्योंकि नवंबर दिसंबर मंथ में क्लियर स्काई सानी वेदर होता है और हल्का हवा बहता है, इसलिए इस टाइम जो नेचर का ब्यूटी और लेक का व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है, जो नेचुरल कलर है जो वाटर का कलर है बहुत ही अच्छा लगता है दूर से। तो अभी ये देखिए पूरा दूर से जो व्यू है बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी धीरे धीरे हम सामने जब जाएंगे आपको क्लियर व्यू मिल रहा है। अभी देखिए जो छांगू जो लेक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में जो एरिया है यहाँ पर बर्फ गिर चुका है और बर्फ जम चुका है क्योंकि काल रात का टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री था और -1 डिग्री था, स्पेसिफिक इतना पता नहीं है मगर अराउंड 1 डिग्री 0 डिग्री था, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कोई स्नोफॉल तो नहीं हुआ, इसलिए पूरा एरिया है ड्राई एरिया है, इसलिए ऐसा साइड सीन मिल रहा है। বলো কিছু বলো, কোথায় এসছি আমরা? সিকিমে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার অ্যান্ড হোলি লেকে চলে এসেছি আমরা, আর এখন ডিসেম্বর মাসে ফার্স্ট উইক, কোনো বরফ নেই, ক্লিয়ার স্কাই, পরিষ্কার আকাশ, কিচ্ছু নেই, বরফ আমরা পাবো আর 3 মাস পর আসবো তখন বরফ দেবো। हम लोग बर्फ का स्नोफॉल का पिक्चर बाद में देंगे, अभी देखिए पूरा क्लियर स्काई क्लियर, और जो पानी के कलर है सामने तो ग्रीन लग रहा है, दूर जाके देखेंगे तो सी ग्रीन लग रहा है। यहाँ बोटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, यहाँ पर नीचे ना नीचे ना जा नहीं सकते, इसलिए हम पूरा लेक घूमेंगे, पैदल जाएंगे पूरा घूमेंगे। छांगू का व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा छांगू एरिया पूरा प्रॉपरली दिखता है, दूर से तो नहीं दिख रहा था हमने इसलिए जूम करके आप लोगों को दिखाया यहाँ पर कैसा दिखता है दूर से, यहाँ से ही रोपवे स्टार्ट होता है। हम लोग तो छांगो बोलते हैं मगर इसका ओरिजिनल नेम है सोंगमो, इसका मीनिंग है भूटिया वर्ड है, इसका मीनिंग है हेड लेक। ये वाला ईस्ट सिक्किम में पड़ता है और गैंगटॉक से तो 40 किलोमीटर अवे है, यहाँ पर आने के लिए एक ही रूट होता है जो गैंगटॉक नाथुला हाईवे, यहाँ इस हाईवे से आपको आना पड़ता है। खूब बहुत बड़ा छांगू लेक, बहुत बड़ा है, इस लेक का हाइट है 12,300 फीट और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर स्नोफॉल होता है मगर कुछ कुछ टाइम में स्नोफॉल कम होता है और नहीं होता है, ये वाला मंथ होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। यहाँ से रोपवे चालू है, रोपवे से ऊपर जा सकते हैं मगर इतना खास नहीं है इसलिए हम ट्राई नहीं किए। लास्ट टाइम लीजा ने बोला था, लीजा लास्ट टाइम आए थे बोला था अच्छा है मगर इतना इतना बहुत कुछ अच्छा व्यू मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए स्किप कर दिए बोला। वहाँ पर एक मंदिर व कुछ बैठने का जगह है शायद, वहाँ से ऊपर जाने का कुछ रास्ता है। लीजा आता है कि नहीं? लीजा वहाँ पर तो खड़ा है, लीजा आएगा तो हम जाएंगे। भाई एक राइड कितने का है? अब मेरा
100 देखते मेरे वाइफ को देखते देखते बोलते सिक्किम टूरिज्म का ऑफिस है वहां पर उसके साथ ही वहाँ पर रेस्टोरेंट है वहाँ पर रेस्टोरेंट में खा पी सकते हैं और वहाँ पर जो भी खाना मिलेगा इसलिए लिमिटेड है क्योंकि टूरिस्ट के ऊपर होता है तो इसलिए वहाँ पर ऑर्डर देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा वेट करने के बाद ही आपको मिल सकता है और यहाँ पर फोन पे गूगल पे कुछ नहीं चलता कैश ही ऑनली चलता है हम तो प्रॉब्लम में पड़ गए थे मगर मैनेज हो गया पूरा गाड़ी हायर करके आएंगे और आपका खुद का गाड़ी आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर आपको घूमने के लिए मिनिमम 2 hours टाइम लगता है तो हम लोग तो शेयर कार में आए थे इसलिए ड्राइवर ने बोला 30 minutes हम लोग मिलके नेगोशिएट किए उसके बाद 1 hour एक्सटेंड कर दिया था 1 hour भी कम लग रहा था हम यहाँ पर घूमते घूमते जितना टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर घूमने के लिए 2 hours इसलिए लगेगा क्योंकि बहुत सारे व्यू पॉइंट है लेक व्यू पॉइंट है वहाँ से ट्रेकिंग आप कर सकते हो बहुत सारे एरिया है यहाँ पर और इस टाइम आएंगे तो मतलब जहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ तो यहाँ पर टाइम घूमने के लिए बहुत टाइम लग ही जाएगा यहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है यहाँ पर लाइन मगर अभी तो नहीं है क्योंकि पैसेंजर ट्रैवलर नहीं है यहाँ पर मगर जब भीड़ होता है बहुत ही क्रेजी होता है यहाँ पर जब स्नो थोड़ा पड़ता है तो उस टाइम बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है मगर अभी तो ड्राई है इसलिए हम लोग नहीं ट्राई किए लीजा ने बोला उसका एक्सपीरियंस है ड्राई टाइम में यहाँ पर इतना अच्छा नहीं व्यू मिलता है पर थोड़ा स्नोफॉल होगा तो बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर छुट्टा लेके आना है क्योंकि छुट्टा नहीं मिलता है और यहाँ पर बुकिंग करने के टाइम छुट्टा नहीं मिलेगा तो हम लोग के साथ जो आया था उसका मतलब रोपवे वाला नहीं हुआ तो यहाँ पर रोपवे का टिकट है 300 to 500 सीजन वाइज वैरी करता है पॉइंट में एक कैफेटेरिया है और 2 छोटा छोटा कैंटीन है मगर अभी बंद है हमने पूछा क्यों मगर इस बोला इस नवंबर के एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक 2 weeks में यहाँ पर ट्रैवलर नहीं आता है तो यहाँ पर खुलने के बाद बहुत ही लॉसेस होता है इसलिए इस टाइम में यहाँ पर ओनली एक ही रेस्टोरेंट प्रॉपरली फंक्शनल है छांगो और छांगो जो लेक इस लेक का इस सिक्किम में बहुत ही प्योर और होली इस लेक बोला जाता है और सिक्किम का वन ऑफ द होली लेक है और इस लेक का स्पेशलिटी है इस लेक थ्रू आउट द ईयर इस लेक में कोई भी डार्टी कुछ नहीं आता है कोई भी डास्ट नहीं आता है कोई भी गंदगी यहाँ पर नहीं पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होता है और यहाँ पर 2 hunts यहाँ पर ऑल द टाइम थ्रू आउट द ईयर मिलता है जब स्नोफॉल होता है तब वो हंस साइड में आ जाता है मगर यहाँ पर जब अभी देखिए स्नोफॉल नहीं हुआ है तो पूरा पानी नॉर्मल फ्लो में है इसलिए वो जो 2 hunts तैर रहा है बहुत ब्यूटीफुल व्यू है और यहाँ पर जूम करके दिखा आप देख सकते हैं यहाँ पर लेक का नीचे तक आपको दिखा जाता है बहुत ही क्लियर व्यू है
क्यों उठने पड़ना।